नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद रिचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर रिचा शुक्ला। शिवरात्रि का जो पर्व होता है वो शिव और शक्ति के मिलन का दिन है, जिसको कि आप सुनते आए हैं कि ये इस दिन शिव और पार्वती की शादी हुई थी, विवाह हुआ था। शिव और पार्वती का विवाह एक साधारण घटना नहीं थी, ये पूरी की पूरी सृष्टि का एक विधान, एक संरचना बदलने वाली घटना थी कि शिव जो कि इस संसार को विध्वंस करने की ताकत रखते हैं, डिस्ट्रक्शन करने की जिनके पास ताकत है, उनका मिलन शक्ति से होने जा रहा था जो कि विश्व का सृजन करती है, विश्व का निर्माण करती है। ऐसी शक्ति, दो शक्तियां उस दिन आपस में मिलने वाली थी जिसको हम शिव और पार्वती का विवाह कहते हैं। शिव की परम ऊर्जा भवानी की अपरिमित ऊर्जा से मिलने वाली थी, शक्ति और शिव का संगम है। ये दिन भी अवश्य कुछ खास रहा होगा जिस दिन ये दो महान ऊर्जाएं मिली होंगी। और उस दिन, पूरे दिन ही एक विशेष ऊर्जा इस पूरे ब्रह्मांड में संचरित होती है, ऐसा मेरा मानना है। आप लोग सभी से एक निवेदन है मेरा कि उस दिन आप जितने सात्विक रह सकते हैं, अपनी ऊर्जा को जितना आप प्योर रख सकते हैं रखिए। किसी भी तरह का बुरा विचार आपके मन में नहीं आना चाहिए, किसी भी तरह का तामसिक खाना आपको नहीं खाना चाहिए, किसी से भी मन मुटाव वैर उस दिन नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा या बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप उस दिन मौन रख सकते हैं, मौन का महत्व बहुत बड़ा होता है, मैं किसी और वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन अभी इतना ही बताऊंगी कि बहुत अच्छा होगा अगर आप उस दिन मौन रखें। पूरा दिन नहीं रख सकते हैं तो एक घंटे का मौन आवश्यक होगा, और उस दौरान आप केवल और केवल जमीन पर आसन बिछाकर बैठें और अपनी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखकर, जो हम ध्यान की अवस्था में बैठते हैं, अगर आप बैठ सकते हैं और ओम नमः शिवाय का पाठ कर सकते हैं तो सच मानिए आपकी ऊर्जा पूरे साल के लिए, पूरे वर्ष के लिए, जिसको कहते हैं ना कि ऊर्जा का संरक्षण या प्रिजर्वेशन आप कर लेते हैं पूरे वर्ष अच्छी ऊर्जा पाने के लिए। यह दिन बहुत खास है, बहुत पावरफुल दिन है, तो इस दिन जो भी मेडिटेशन, जो भी आराधना, जो भी कार्य किया जाता है वो अक्षुण हो जाता है, उसका कभी अंत नहीं होता। शिव और शक्ति का मिलन है, इस ऊर्जा का अंत कभी नहीं होने वाला। तो ये दिन इतना खास है, इतना इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है कि आप लोग अपनी ऊर्जा का प्रिजर्वेशन करें, अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव करें और उसका संरक्षण करें, पूरे वर्ष के लिए आप एक नई ऊर्जा को पाने का प्रयास करें। इस दिन दान कर्म भी बहुत अच्छा होता है, अगर आप दान करते हैं वो भी अक्षुण हो जाएगा। इस दिन आप मेडिटेशन करते हैं, धैर्य से ध्यान करते हैं, वो भी अक्षुण हो जाएगा। इस दिन आप जो भी मांगना चाहते हैं प्रकृति से, ध्यान में जाइए और पूरी ताकत, पूरी ऊर्जा के साथ उसको मांगिए। इस दिन की ये जो एक वाइब्रेंट एनर्जी है, जो एक बहुत ही क्रिएटिव एनर्जी इस दिन क्रिएट हो रही है ब्रह्मांड में, उसका लाभ उठाइए। किसी भी तरह के गलत काम से, और मैं कहूंगी कि नेगेटिव कामों से, नेगेटिव विचारों से, नकारात्मक सोच से खुद को दूर रखिए, नहीं तो यही सोच पूरे वर्ष आपके साथ रहेगी। तो ऐसा शिवरात्रि के पर्व को करें, मनाएं, शिव पार्वती की आराधना करें, शिव पर जल अवश्य आप चढ़ाएं शिवलिंग पर, ये भी एक बहुत अच्छा उपाय रहता है। दूध और पानी को मिलाकर भी चढ़ाया जा सकता है, ये भी ये एक छोटे छोटे उपाय हैं जो आप अपनी मानसिक शांति के लिए कर सकते हैं। इस ऊर्जा का
फायदा उठाइए। शिवरात्रि की आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।